बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये है जी हमारी चिकन की देग। अभी जी अपनी फैमिली जो है वो शुरू हो गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये देखें देग जो है वो हमारी रेडी हो रही है। वाह जी वाह, जबरदस्त। माशाल्लाह जी, खाने का टाइम हुआ तो अभी सब जो है वो खा रहे हैं। अजहर भाई, कैसा टेस्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त। हाँ जी, मुकला रहे हो? हाँ जी। चलो चलें, मिठाई। अच्छा है मिठाई, मैंने कहा शायद भूल के जा रही हैं। नहीं, वो बच्चे को बेच के मैंने स्पेशल मंगवाई। वाह जी वाह, बैठी तो ऐसे है। खा लिया? मत कुछ भी नहीं मिलिया क्या? अब्बू अब्बू के साथ खा लेती? नहीं, आई एम सो हैप्पी। कसबा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, कामयाब फंक्शन हुआ हमारा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआएं हैं। तो माशाल्लाह जी, सुबह का आगाज बिल्कुल हो चुका है, वो सूरज निकलने के बाद होता है। तो ये देखें जी, भाईउद्दीन साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी। माशाल्लाह आज खुशियों से भरे दिन हैं जी। हाँ जी, अल्लाह ताला जो है वो कबूल करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। बस खैर है, बड़ी तैयारियां शैरियां हो रही हैं जी। इंशाल्लाह जुम्मा भी आए। हाँ, तो बेटे की खुशी भी है। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। हाँ, दांतों शांतों को भी खिलाओ, क्योंकि बुटाहड़ भी खाने हैं। और आध मार जो मिठाई कही थी ना आपने, वीडियो में खानी है। वही बुढ़े हो क्या? क्या है क्या है जो भी आध मार? अच्छा, ये कोई थोड़े से नीगर होते तो मार खा जाते। सही है, वही तो कह रहा हूँ। अभी आधा मन मैंने आपकी लिखी है, बाकी जो है ना 10 किलो सारे लोगों की। बहुत अच्छा है। हाँ, इंशाल्लाह। तो चलें जी, अभी जो है रेडी सब होते हैं। नहीं रह गए, एक बच्चा खड़ा है। क्या नहीं रह गए? दांत। हाँ, वो मिठाई दांतों से नहीं खाई जाती ना। मिठाई होती है सलोहर तनी होने वो जड़े। क्या मंगाई है? कूली है, खुली खुली खांदे रास हूँ। ठीक है जी, कुराड़ी रोटी रोने जड़ी। ओ बेटा हट जाओ, इसको ना छेड़ो, पहले भी बैटरी फटी है। चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? अच्छा, मैं ना सामान लेने जा रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली कि देगों का सामान लेने जा रहा हूँ। वो आकर देग पकाएगा, वो सारी चीज़ें लेकर आता हूँ, मिठाई के डब्बे वगैरह लेकर आता हूँ, ठीक है? और ये देखें जी, वेलकम टू मोहम्मद हसन। तो इंशाल्लाह ताला फिर पता क्या करते हैं, तो ऐसा करो, मैं सब को ना टोटल फैमिली को कह देता हूँ, मैं जब वापस आऊँगा ना वो सब रेडी होंगे, सब आते जाएंगे यहाँ पे, मिठाई का डब्बा लेते जाएंगे और ये सारी चीज़ें करते जाएंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल। हाँ, आप भी रेडी हो जाओ और मोहम्मद हसन को रेडी कर दो, बेबो को रेडी कर दो। हसन के कपड़े तो हैं, उसको है रेडी करी हूं, लेकिन बेबो के कपड़े तो अभी अजहर भाई के पास हैं। वो आने वाले हैं, बस मैं फोन करता हूँ, वो कोई करते हैं उसका हाल भी। तो फिर ठीक है, हसन को मैं तैयार करती हूँ, मैं खुद भी जब तक तैयार होती हूँ फिर बेबो को करवा दूंगी। ओके हो गया जी। कैसे हो बेबो, नाराज हो? चलो हाय बोल दो सबको, आज तेरी बर्थडे है, तेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे। कैसे चलाओगे तीफू दे उते बेबो? अच्छा वो दिखा दो, एक मिनट। तीफू को कीवे मरे सो? कीवे टी इवे मुक्का मुंह ते मार दोगे तीफू, फिर जो है वो अंधा हो जाएगा। इस पे मारेंगे हम बॉडी स्प्रे, ठीक है? हाँ चलो, फिर आप ना नहा धो के रेडी हो जाओ, न्यू कपड़े पहनो, फिर शुरू करें, ठीक है? मोहम्मद हसन जो है ना आपका भाई निकड़ा, वो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है? चले जी, आप भी अपने कपड़े इस्त्री रेडी करो और शुरू करो जी। हम जी कर रहे हैं रेडी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? तबीयत से ठीक है? आपके पास ना तकरीबन कोई आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में ना आप दोनों रेडी हो जाओ, ठीक है? सही है। हाँ, फिर वो ना फंक्शन की वीडियो तैयार करनी है, ठीक हो गया? मैं ना अभी जा रहा हूँ मिठाई लेने और सामान वगैरह लेने,
तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आ जाऊंगा, फिर फंक्शन की वीडियो तैयार कर लेंगे, वो 12 बजे फिर डाल देंगे, फिर ये तो ये जो बना रहा हूँ अभी ये शाम को डालेंगे। सही है? सही है। वाह जी वाह, इतनी खूबसूरत चिकन मैंने आज पहली बार देखा। अभी तो जब कलर होगा ना इसमें मजीद सुना पाएगा। आई प्राउड ऑफ यू मिस्त्री साहब। अभी इस पर ना कसीदाकारी होनी है। हाँ वो तो मुझे पता है, सारी पेंडिंग डेंटिंग होनी है अभी। अभी कार कारों वाला मिस्त्री आएगा ना, डेंटिंग पेंडिंग होगी इसकी अभी। हाँ वो जहाँ जहाँ से थोड़ी साइड रह गई ना, वो डेंटर का काम है। नहीं यहाँ पे भी वो इसके जो है ना बनाएंगे, फूल बनाएंगे नीचे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लगेगा। एक तो ये सीनरी आती है पीछे, एक तो ये आ जाता है, कलर भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो ना रेडी हो जाए, तैयारी करें जी। तकरीबन मतलब हम कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ अभी सामान लेने, मिठाई वगैरह और ये चीज़ें, तो आधे घंटे तक मैं वापस आ जाऊँगा, फिर हम सब रेडी होंगे ना उधर, फिर हम अपना फंक्शन कर लेंगे ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता है मेहमान आ जाने, फिर कौन देखे कौन ना देखे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मौज़म अली खान? नानी अमदा मुखलिस भाई कैसे? नसीबा यार, एक तो नसीब, मैं कहता हूँ जब तुझे मिली नसीबाएं तेरे नसीब कहाँ पे हैं, जाग क्यों नहीं रहे? जाग रहे हैं नसीब अल्हम्दुलिल्लाह। आंखें सूजी हुई हैं, जाग रहे हैं, ये तो जगा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा ये जगा रहे हैं, ये का मतलब पता तो है आपको। हाँ अच्छा, मैं ना एक पैगाम देने आया हूँ जी। हम ना जो अपनी सेलिब्रेशन है वो 12 बजे से पहले पहले हमने कर लेनी है ठीक है। अपना जो फंक्शन है फेस रिवाल मतलब कि चेहरा दिखा देना है बेबी का, उसके अलावा आपने मिठाई के डब्बे वसूल करने हैं ठीक है जी, तो फूल निछावर करने हैं, बेबी का वेलकम करना है, तो इस तरह का जो फंक्शन है ना वो अभी आपके पास ना आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे का। हाँ जी, तो आधे घंटे में ना आप सब बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, सबको रेडी करके ना मेरे घर में पहुंचो, बस आधे घंटे का टाइम है। मैं तकरीबन आधे घंटे या पौने घंटे में ना सारा सामान वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह सारी चीजें लेके पहुंच जाता हूँ ठीक है जी। वो मिठाई वगैरह तो दूसरा खाने पिलाने वाला काम वो नहीं है, खाने पिलाने वाला जो है ना ये 12 बजे तक हम अपनी सेलिब्रेशन कर लेंगे बड़े प्यार मोहब्बत सुकून से। 12 बजे के बाद हमने जुम्मे की तैयारी करनी है, जुम्मा पढ़ना है, जुम्मे के बाद मेहमान आ जाने हैं, फिर हर किसी की मर्जी खाने की बनाता रहे जो, वो हर किसी की मर्जी होगी ठीक है जी। हाँ फिर मसरूफियात हो जाती है, आखिर खाना खिलाना भी है, खुद भी खाना, सारा ये सिस्टम है। मैं कहता हूँ सेलिब्रेशन हम अपने टाइम से कर लें ठीक हो गया। हाँ बस जल्दी आ जाए। उठिए डॉक्टर, डॉक्टर आ जाओ आ जाओ, तैयारी कर लो पुत्र। ओके ओके आ रहा हूँ मैं। हाँ तुझे 15 मिनट का टाइम है पुत्र, क्योंकि 15 मिनट का बताऊंगा आधा घंटा लगाएगा ना। सही बात है। माशाल्लाह हीरो लग रहे हो। नहीं हीरो नहीं, जीरो जीरो मीटर। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बात से बचाए जी। तो चलना है आपने चौक पे, क्या करने? मिठाई लेने और हाँ, सामान लेने। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो जी फिर चलते हैं। हाँ ओके जी। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है हम रवाना हो चुके हैं शहर की तरफ, और शहर में जो है वो जाके जो चीज लेते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। ससुर जी भी साथ हैं, ये भी रेडी आपको पता है हो गए थे, तो इंशाल्लाह अभी सामान सारा लेके फिर वापस चलते हैं, फिर देग वगैरह पकानी है। मिठाई का ऑर्डर दिया है, मिठाई जो है वो बना रहे हैं, और मैं लेने गया था जी अपना शूज, तो शूज लेके आ गया हूँ, मिठाई भी तकरीबन तैयार होगी। ये देखें जी टोटल डब्बे जो हैं वो हमारे पैकिंग हो चुके हैं, तो अभी टोटल गाड़ी में जो है वो रख दिए हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 डब्बे के ना एक शापर है, तो 8-5 एक मन हो गई। बेबो शूज नहीं पहने? शूज पहनो फिर, वो इधर ना मिठाई के डब्बे रखे हैं। हाँ चलो ले चलो मिठाई के डब्बे आ जाओ, चलो वो है सारे ले चलो सारे। नहीं एक डब्बा तो उठा लो, बड़ा वजनी 8-9 किलो का शापर है, एक एक उठा लो, एक भी नहीं उठा सकोगे, जोर लगाओ। मुश्किल है, चलो ले चलो। अभी जी लेके जा रहे हैं, कुछ शापर और ले गए, कुछ मैं लेके जा रहा हूँ। ये देखें जी वाह कमाल हो गया। तो जी अभी यहाँ पे सारी जो है मिठाई हमने शापर रख दिए हैं। बेबो बेबो आप खुश हो? कितना खुश हो? वो इतना बड़ा फूंक दिया,
वाह जी वाह, ये तो जबरदस्त बना दिया आपने। हाँ ये सारा सामान वगैरह, शूज वगैरह, चलो ये अंदर रख दो, शूज मुझे दे दो, बाकी चीजें जो है ना मैं शूज चेंज कर देता हूँ, ये टूटा हुआ है सारा। मेरी जूती है बेबो, ये पहन लो, दूसरी भी निकाल दो। माशाल्लाह से जी लेके आ गए हो सामान जी। अभी जो है बेड पे बिछा रहे हैं जी हम ये चादर, ये वाला ना उधर बीच में लगाना था आपने, दरमियान में, फिर बड़ा प्यारा लगता। हाँ जी, क्योंकि वो चलन सही है, वो फिर वेलकम छो, वेलकम वैसे यहाँ पे लगाना, लेकिन जो हो गया जी सो ब्यूटीफुल। कौन चल रहा है, ओ तेरी लुक चेक करो, बेडी चेक करो, इन्हें दे भी लुक, पहले इसकी लुक चेक करो, वाओ, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू नहीं, प्राउड होता है, प्राउड ऑफ यू, ऐसे होता है, इस पे तो जैसे भी कह दे वैसे छक जाता है। जबरदस्त माशाल्लाह, वीआईपी है तो जी। माशाल्लाह अजहर भाई आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम यार, आपका बहुत शुक्रिया। असल में मैं तो इधर काम में बिजी, वो देख का सामान वगैरह ये वो इसके साथ देख आने वाले सामान अभी लेके आया। तेरे कपड़े देख ला था बंदा, आ जाओ बेबो, तेरा सूट आ गया शीशे वाला, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो बेबो? सलाम कपड़े, वालेकुम सलाम जी, वाले चले लो भी बेबो अपना ये शॉपर में ना, हाँ ले जाओ पैक कर। चलो जी, चलो जाके पहनो फिर, ठीक है, जल्दी बैंड लगाओ। तो जी भाई सामान लेके आ चुके हैं, हाँ जी सामान सारा, मिसाले भी और सारा आ गया, अभी सिर्फ रहता है चिकन। ओ लो मेरे ऊपर गिर रही थी, चलो ये सामान मुझे दे दो, आप लकड़ियां ना इस साइड पे डाल दो, ये पहले भी पड़ी है कुछ, तो वो आके इधर देख बना लेगा, ठीक है, सही है, बस ये ले जाओ मैं उतार लेता हूँ। ओके जी, माशाल्लाह जी ये देखें देख जो है वो हमारी रेडी हो रही है, वाह जी वाह जबरदस्त, लेकिन इतना अंधेरा है कि फूका दे के, लेकिन फिर भी नजर नहीं आती यार। और इधर जो है ये पी रहे हैं खुद साहब जी चाय, चलें चाय पी लो, चाय पी रहा है क्या? हाँ थाली में पी रहा है। ये निब्बू भी डालेगा अंदरों, और इधर जी हमारे मेहमान खसूसी आ चुके थाली से, मेरे नाम शरीक अहमद साहब, कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप सुनाए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वो ठीक है, मेरे से पूछो बस। आप तो ठीक है ही है, हाँ वो भी ठीक है। तो मैं पता क्या कह रहा था, मैं कह रहा थाली छोटी है, इसमें चाय पी। तो माशाल्लाह कैसा सफर गुजरा? सफर बेहतरीन, एंजॉय किया हमने। आपको वेलकम करते हैं जी दिल से, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, आमीन। आप हमेशा सफर करके आते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह, इसके बाद जो है ना आपने सफर करना है हमारे घर, इंशाल्लाह हम जो है ना पार्टी करेंगे सिर्फ आपको इनवाइट। ये तकरीबन तीसरा चौथा साल है हम सुन रहे हैं, हमें पहली पार्टी नसीब हुई थी, और जब हमने इसके घर में खाना खाया उसके बाद मेरे ख्याल में इन्होंने एक महीना नहीं खाया, उसके बाद फिर इन्होंने पार्टी करने का सोचा ही नहीं है। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाया। माशाल्लाह जी मेहमान पहुंच गए, अकरम भाई भी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत शुक्रिया जी तशरीफ आवरी का। और उसके बाद देखें और भी काफी सारे मेहमान जो हैं वो पहुंच गए हैं। खलील और रहमान दी ग्रेट, आपने लेट क्यों की है? मेरा दिल वो कर रहा था, मैंने कहा लेट यार गाड़ी थोड़ी सी खराब हो गई थी। असलम खान साहब क्या हाल है? ठीक हो? और मिस्त्री साहब फिट फाट? माशाल्लाह जी कैसा सफर गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
तो जी अभी जो है खाने का प्रोग्राम जो है वो रेडी हो रहा है। सारे फंक्शन हमारे आपको पता है, आपने देख लिए दोपहर की वीडियो में। अभी खाने का फंक्शन है, ये देखें छबियाँ सारियाँ इकट्ठियाँ हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला और भी छबियाँ आ रही हैं। हम अपने पूरे 5 घर जो है ना अपने भाइयों के, उन सबके जो है ना बर्तन छबियाँ जो ये चीज़ें ना हम उधर इस्तेमाल करेंगे अपने फंक्शन में। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी ये है जी हमारी चिकन की देग जी आपके सामने है। तो अभी जो है इंशाल्लाह खाना स्टार्ट करेंगे, सही है ना? हाँ जी। ये चम्मच के साथ, चम्मच के साथ पवेगी ना, जो बड़ा चम्मच हो वो ले आओ। माशाल्लाह जी खाने का टाइम हुआ तो अभी सब जो है वो खा रहे हैं। अजहर भाई कैसा टेस्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह चलें जी, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। उम्मीद थी। वाह जी वाह, बैठी तो ऐसे है। खा लिया मत? हाँ कुछ भी नहीं मिलिया। क्या अब्बू के साथ खा लेती? नहीं अब अच्छा अब अभी हम ना मतलब जो मेजबान है सब खड़े हैं जी, अभी और रोटियां मंगवाई हैं तो इंशाल्लाह फिर हम आप जो है ना वो खाएंगे। आप भी देने वाली थी ना जी? सही है, भाभी जो है देख पे बैठी है जी, जी क्या नसीब है तेरे। एक फायदा हुआ है आपकी देख पे बैठने का, वो देखो अभी मैंने तो एक बोटी ली है भाई, हमें वो भी नसीब नहीं हुई। आप ही ले लो, यही मैंने कहा ना फायदा होता है अपनी वाइफ को बिठाने का। ऐसे ही कह रहे थे ना बिठाओ ना बिठाओ, मजे से खा रहे हो ना, और मांग लो 2-3 बोटियां। एक मांगे मैंने टेस्ट कर लूं। अच्छा फिर रोटी आ जाएगी, रोटी खाना खाएंगे इंशाल्लाह। फिर सब अपनी फिर पार्टी होगी हम यूट्यूबरों की इंशाल्लाह जी। हाँ जी मुकला रहे हो? हाँ जी। चलो हम तो कहते थे यहीं पे रुक जाते। नहीं बस आपको पता है वो छोटे को भी नहीं लेके आया साथ। ये तो ज्यादती की है आपने। फिर हमारा घर भी आपको पता है कमांड के बीचों बीच, कमांड के बीच में है। गन्ने के मजे है ना यार, वो फिर बेबो होता तो डेली तोड़ जाता, उस गन्ने का बड़ा शौकीन है। चलें मिठाई। अच्छा है मिठाई, मैंने कहा शायद भूल के जा रही नहीं, है वो बच्चे को बेच के मैंने स्पेशल मंगवाई थी, मैंने कहा ले आओ मेरी मिठाई करो। सही है, अच्छा किया। चलें जी खैर खुशी से जाएं और घर जाके मैसेज छोड़ देना, हाँ अच्छे वाला मैसेज हो। अभी जी अपनी फैमिली जो है वो शुरू हो गई है माशाल्लाह। मुखलिस साहब कैसा टेस्ट है? मैं अभी बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। चलें जी और इधर जो है, हाँ जी चले रखे भाभी मैं खा लेता हूँ। आपने खानी है ना? हाँ जी मैं। चलो इधर बैठो, अकेला नहीं इकट्ठे बैठते हैं। तो जी अभी जो है सारे मेहमान चले गए अपना अपना डब्बा लेके, और अभी जो है लास्ट हमारे जो मेहमान है दूर से वो है अजहर भाई। तो ये अजहर भाई स्पेशल इस्लामाबाद से आए हैं। ये जी आपकी मिठाई का डब्बा, माशाल्लाह बस दुआएं करनी है जी, अल्लाह पाक बहुत बहुत मुबारक हो जी, अल्लाह बच्चों को लंबी उम्र खिजरत फरमाए, नजर बस से बचाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जी। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे फंक्शन जो हैं वो हो चुके हैं। आई एम सो हैप्पी। तो सबा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, कामयाब फंक्शन हुआ हमारा और खुशियों से भरा दिन गुजरा, पता ही नहीं चला दिन कैसे गुजरा। ये सारे फंक्शन जो हुए यहाँ पे ससुर जी साथ थे, कैसे मजा आया। हाँ तो सारी थकन ही उतर गई है, पूरे महीने पूरे 6 महीने की थकन उतरी कि नहीं? अब खुश हो ना या अब भी मूड बनाओगी? तो वैसे कब बनाया मैंने मूड? वो वीडियो में कहते थे ना जब इस कंडीशन में आती हैं ऐसे मूड बनाती हैं, अभी बनाओगी ना फिर देखना। अभी जब आप लड़ोगे तब सावधारा मूड बनाओगी? नहीं लड़ूंगा, क्यों लड़ूंगा मैं। तो चलें जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात और मुलाकात होगी। अभी जो है सारे मेहमान भी चले गए हैं और उसके बाद जो है बेबो एक मिनट, और मैडम जी जो है वो खा रही है जी बादाम। बादाम इधर साइड पे हूँ तो बादाम खा रही है जी माशाल्लाह। ये वो बादाम है जो एक मेक ये वो बादाम है जो मुल्तान से लेके आए थे आपने। तो बेबू को खा दिया। बाकी जिनको नहीं बुला सके उनसे दिल से माजरत है जी। हाँ जी क्योंकि ये जो मेरा मतलब फंक्शन था ये ज्यादातर हमारे अपनों का था, मतलब कि अपने रिश्तेदारों का था, अपने जो मेरे मेहमान दोस्त थे जो यूट्यूबर नहीं थे, बाकी एक दो यूट्यूबर मेरे बिल्कुल करीब थे, पास के थे, मतलब 5 मिनट का सफर और 20 मिनट का सफर, उनको मैंने जो है वो बुलाया है, इनवाइट किया है।
इंशाल्लाह मजीद बड़े बड़े फंक्शन आ रहे हैं, आपके साथ सरप्राइज शेयर करेंगे। तो जब अपन न्यू घर में शिफ्ट होंगे, न्यू घर के अलावा भी और फंक्शन है, इसको नहीं पता। आपको पता है अहमद दीन ऐसे ही सोचता रहता है फंक्शन के वाले से। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर जो है अपने तमाम वेटी फैमिली को इनवाइट करेंगे। तो आप सब ने दुआ करनी है जी। मिठाई के डब्बे खत्म हो गए, दो बच्चे है ना, एक हमारा बच गया है, एक जो है वो अल्ताफ भाई का है, ठीक है। तो वो भी अभी देते हैं उनको, जाने वाले हैं। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई अल्लाह हाफिज जी, बाय बाय।